الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تمام بزرگانو نوجوانانو دوستانو تمام برادریاں دے جتنے بھی احباب کھڑے نے سب نو السلام علیکم دوستو سیاست اگر عبادت سمجھ کے کیتی جائے تے اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے سب تو پہلے سیاست دا آغاز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ دے اندر اسلامی مملکت قائم کر کے اس دا آغاز کیتا پاکستان دے حالات تہاڈے ساریاں دے سامنے نے دو جماعتاں واری واری ایتھے حکومت دے اندر آئیاں اور اج بچہ بچہ جاندا ہے اور ایک کریکٹر بھی ایک کردار بھی عمران خان نو جاندا ہے کہ انہیں اج لوگاں نو गांव नानू डोगर के अंदर साहबजादा मियां मोहम्मद अबू बकर साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवार खिताब फरमाते हुए जो कि नाज़रीन आप समाअत फरमा रहे हैं। दोस्तों मैं एक गुजारिश कर रहा हूं कि एक क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है कि उन्हें आज बच्चे बच्चे को यह शऊर दिता कि 35 साल तक इस मुल्क के अंदर वारी वारी हुकूमत करने वाले चले ए चोर डाकू सन इन्होंने अपनी तिजोरियां ते भरिया ने इस मुल्क को कौम का खून चूसया है कौमी खजाने में लुटिया है और इन्हें दिया तिजोरियां भरिया ने और सारा कुछ लुट के मुल्क को बाहर ला गए। पिछले चार साल जो इमरान खान ने असी हुकूमत दी कोरोना के बावजूद भी उन्होंने दो साल कोरोना जिम के अंदर इंटरनेशनली बड़िया बड़िया मजबूत मुईशत डगमगा गई। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ऐसिया पॉलिसिया का नफाज किया कि मुल्क पाकिस्तान डगमगाई नहीं
यूएनओ ने भी तारीफ की थी कि इमरान खान दिया पॉलिसियां की वजह तो पाकिस्तान अपने पैरों से खड़ा रहा है। हूं मैं तमाम दोस्तों सियासत के अंदर आन की अपने सियासत के इस मैदान की वजह दसना कि मैं महसूस किया कि हूं इस वेले पाकिस्तान की बका की जंग है। इस तरह अगर अमरीका और दीगर यहूदो नसारा दियां कुवतां पाकिस्तान के अंदर दखल देंदियां रही तो इस मुल्क की अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे ये जड़ी साख है और इंदा जड़ा वजूद है ये खतरे के अंदर है किधरे कायम ना रहे। वाहिद लीडर है इमरान खान जिन्हें उन्होंने सामने सीना तान के खड़े होके ते क्या कि असी तुहाडे एब्सोल्यूटली नॉट का लफज बोलिया कि असी हुण तक तुहाडे मकासद और एजेंडे पूरे करते रहे हैं ते हुण असी अपनी कौम दे लई सोचो विचार करना है अपने लिए असी जीना है। और तुसी देखिया कि इस मुल्क के अंदर हुक्मरान किस तरह की दोगली पॉलिसी ते चलते सन लुटमार भी करते सन ते अमरीका ड्रोन हमलों के अंदर पाकिस्तानी शहीद होंदे सन उन्हें आके ड्रोन हमले करन दी जड़ी इजाजत सी बंद की थी। उन्हें क्या मैं अपनी कौम नो इस तरह तबाहो बर्बाद हुंदा देख सकता नहीं। मौजूदा हुकूमत ने फिर चंद दिन पहले ड्रोन हमले की इजाजत दे दी। तुसी इतों ही अंदाजा कर लो कि ये अमरीका के गुलाम ने या आजाद ने। इमरान खान ने कहा कि सानू ऐसी गुलामी नहीं चाहिए असी गुलामी दी जंजीर तोड़ेंगे। उनकी इस आवाज ने मैनू भी अपील किया और मैं महसूस किया कि मैनू भी इमरान खान की मदद के लिए मैदान आना चाहिए। दोस्तों साथियों ने भी मजबूर किया कि तुसी सियासत के अंदर आओ। मैं पहले सियासत में नहीं आना चाह रहा था मगर अपने इलाके की भलाई लई अपने मुल्क की हिफाजत लई अपने मुल्क की भलाई लई आलमे इस्लाम के अंदर पाकिस्तान के वकार नू बुलंद करन दे लई ए इरादा लेके मैं सियासत के मैदान च आन दा इरादा कीता। मैं इंतहाई मशकूर हाँ लंबी गुफ्तगू इसमें नहीं करना चाहता कर सकना। तुसी सारे दोस्त अजकल दी यूथ खास तौर पर नौजवान जड़े इस मुल्क का असासा ने ए बड़े अच्छे तरीके दे नाल बहुत अच्छे तरीके नाल जानते हैं कि मुल्क का वफादार कौन है ते गद्दार कौन है। तुसी देखिए मैं एक मिसाल देना कि महंगाई का एक शोर मचाया गया कि चार साल बड़ी महंगाई हुई जिन्हें शोर मचाया चार महीने उन्होंने आया नु होए ने चार साल चोनी महंगाई नहीं हुई उन्हें अमरीका का एजेंडा पूरा कर दिया कौम का बेड़ा गर्क करके रगड़ा कड़ के रख दिता है। हूं तो जरा उस वे रौला पाते सन जी आटा 55 रुपये किलो तो हूँ 100 रुपये किलो घ्यो जी 400 रुपये किलो हूँ 600 रुपये किलो डीजल जी 150 रुपये लीटर हूँ 250 रुपये लीटर तो ये जो एडे ही चंगे सन तो फिर अमरीका का एजेंडा तो ना पूरा कर दे आए सन तो कौम को इस तरह अजियत ना दें दे। दोस्तों ये तुहाडा खून चूस के हूँ भी फायदा अमरीका नू दे रहे ने तिजोरियां अपनियां भर रहे ने अपने केस खत्म करवा आए ने अपने मुकदमे दियां फाइलां गायब करन आए ने। इसलिए आके सब तो पहले इन्होंने इदारे के अंदर रद्दो बदल करके गड़बड़ करके अपने पसंद के बंदे लिया के अपने केस खराब करना शुरू कर दिते ने पर उन्हें कौम जाग गई है ते कौम जाग गई है कौम बन गई है कौम नू लीडर बनाता है। पाकिस्तान बनना सी ते कायदे आज़म अल्लाह ने अता कीता उस लीडर ने अंग्रेज दे ना चंदिया होया हिंदू दे ना चंदिया होया भी पाकिस्तान लेके दिता उन अल्लाह दे फजल और करम दे नाल यकीन कामिल है कि पाकिस्तान नू अगर कोई बचाएगा तो अल्लाह ने एक फिर लीडर इमरान खान की शक्ल च दिता है। सारे असासे बार रखते ने बच्चे बार औलादा बार कारोबार बार जायदादा बार कौम का जरा पैसा लुटिया वह बार इमरान खान अज भी बैठा कहता मैं तो पाकिस्तान छड़ के ही नहीं जाना मैं एक मिसाल हाँ इलाज बार ने छा गए बार गोली देनी है कि लंदर
ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਈਏ ਬੈੱਡ ਨਾ ਲੱਭੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਮਾਇਮਾ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵਜੂਹਾਤ ਜੋ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਜਾਂ ਰਵਾਦਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਦਾਰ ਲੀਡਰ ਇਹ ਖੁਦਦਾਰ ਲੀਡਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਨਾ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਅਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਤੇ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਗਏ ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਐਨਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਐਨਜੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਐਲਐਨਜੀ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਏਵਨ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਤਰੀ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਕਤਰੀ ਖੱਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕੋ ਸੋਚੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚੋ ਨਾਨੂ ਡੋਗਰ ਤੇ ਫਜ਼ੂਰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ OIC ਮੱਕਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਨਮੂਸ ਲਈ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਫਿਰ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਬਲਾ ਕਿਹਾ 52 ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਬਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਮੂਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਸਦਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਰੂਸ ਪਿਊਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਟਿਊਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੋ ਅਜ਼ੀਮ ਇਸਾਈ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਰਵਸ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਨਮੂਸ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਏੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹਕੂਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ ਅਜੀ ਫਰਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰੰਜ ਲਾਈਨ ਬਣਵਾ ਕੇ 250 ਅਰਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਫਰਕ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 5-10 ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਵੇਖ ਲਓ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸੁਸਰ ਵੀ ਸਨ ਮੀਆਂ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਸ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ
मुमताज हुसैन कादरी नूं फांसी दित्ती उहदा बेड़ा गर्क हो जाणा ते अज देखो बेड़ा गर्क हो गया है रोंदे फिरदे ने अल्लाह दे फजल और करम दे नाल मैनू जिस वेले पीटीआई ने टिकट दित्ती 15 दिन उहनां नूं कैंडीडेट नहीं लभा 15 दिन तक मुशावरती मजलसा ते कैंडीडेट कहिड़ा लभा है जिहड़ा परचे ते जनाब इस तरह की सियासत करता रहा उहदा किरदार तुहाथों भुला नहीं मियां अबू बकर ने भी अज तक किसी का परचा कराया बोलो दसो वो मेरा भी करैक्टर ऐसा देखिया जे तो मैं ना नहीं लैंदा तुसीं जाओ माजी दे अंदर जान के देखो बुजुर्ग बैठे ने अंसर साहब जानते ने हाजी अली असगर मंडा साहब जानते ने कि जड़ा बोलता सी उनके खिलाफ परचे परचियों की सियासत डराने की सियासत धमकाने की सियासत हुण कौम जाग गई है ऐसे परचियों की सियासत करने वाले वोट देवेगी नहीं दोस्तों ने समझना कि मैं अपना हिस्सा पाने के लिए सियासत दे विच आया वगरना तुहाडे दिलां दे अंदर जिहड़े मैनू नहीं भी मिले मेरे नां तों वाकफ हो तुहाडे दिलां दे अंदर मेरी मुहब्बत मौजूद है दसो है कि नहीं हाथ खड़ा करके दसो जिंदे जिंदे दिल च है मैनू मिले हो या नहीं ते इह एजाज़ तो मेरे कोल पहले ही आया सी मुहब्बत आया सी लोग मुहब्बत करते सन इज्जत आया सी पर मैं हुण कौमी जज्बे ते नहीं आया कौमी खिदमत लई आया कौमी जज्बे नाल कि यार इस मुल्क दे बका की जंग है ते मुल्क अल्लाह न करे यहूदों नसारे नु तोड़ना चाहते ने और इसलिए इन्हें सारे चोर इकट्ठे किए अज तक कभी पीपल पार्टी का नून लीग भी रही है बोलो देखो पीपल पार्टी नो जिया ने खत्म करना चाहिए मैं उनके ते गल्ला नहीं करता बंदियां नु पता है बड़ा कुछ उन्हें किया पट्टो नु फांसी दी नजायज उन्हें जनाब साड़ी तारीख का सिया फैसला है बेनजीर नुसरत बाहर कढ दी खत्म नहीं कर सकिया पीपल पार्टी नु खत्म किन्ने किया है जरदारी ने किन्ने किया अज लोग नफरत करते उस पार्टी नाल ते मैं सलाम पेश करना सरदारी नु उन्हें पहले पीपल पार्टी मुकाई है नून लीग मुका छी जिंदाबाद 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 इन्होंने हाथ हो गया ये जरदारी नु बड़ा हमदर्द समझते ने पहले तो शबाज शरीफ कहता मैं सड़कों तक सीट आंदा उन्हें बदला ले लिया है अज उन्हें इन्होंने ओ कंधा किया है ओ कंधा किया तो लंगा किया है पीपल पार्टी मुकाम तो बाद नून लीग मुकाम आया है तो मुका छी है यही वजह है कि नून लीग 15 दिन मेरे पहले तरले कर दी ले मैं क्या बेटी मेरा नजरियाती इख्तलाफ है मैं तुम्हारी जमात तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता मेरा दिल मतबा इन नहीं सारा दल ही गुआ ने 15 दिन तक मेरे को बंदे से बंदा टिकट ला ला तू जित जाएगा टिकट ला ला मैं क्या जितना मकसद नहीं जे दिल मुतमाइन नहीं जमीर मुतमाइन नहीं तो मैं तुम्हारिया कहड़िया गल करांगा कौम नु की दसांगा कि मैं लुटेरिया का नुमाइंदा बन के आया मैं क्या माफी माजरत मैं नहीं सिया तुम्हारी टिकट नहीं लैनी और अलहमदुल्ला पीटीआई ने इज्जत आबरू ने टिकट दी दरखास्त देने तो पहले टिकट दे छी तो ये मियां शेर मुहम्मद साहब के नाम का हया है तो मैं अज तुहाडे सारे दोस्तों को अपील करना आया पहले मेरे इंतहाई मोहतरम साथी मेरे मोहतरम भाई हाजी अली असगर मंडा साहब ने भी मैं मशहूर हाँ उन्होंने जिन्ना अल्फाज का चुनाव किया मेरे पे उन्होंने जरा जुमले बोले मैं मशहूर हाँ कि तुम दोस्तों मेरा माजी तुहाडे सामने रहे मैं खिदमत के जज्बे नाल आया और इस मुल्क की बका की जंग लड़न आया ते तुहानू तुसी जानदे हो यूथ भी जानदी है बुजुर्ग भी जानदे ने जरा बुजुर्गों नू ज़हन बदलना औखा होंदा है और तुसी भी सोचो पीपल पार्टी मुल्क लुटिया नून लीग मुल्क लुटिया भज गए बाहर केसा तो डरदे ते इमरान खान डटिया रहा उनकी जान नू भी खतरा सी उन्हें पाकिस्तान छड्डिया नहीं शदीद खतरा सी थ्रेट सी उन्हें तो मार दियो इनू पीटीआई मुक जाएगी उन्हें क्या मार दे अल्लाह होर कोई दे देगा ए उनका लीडर और उन्हें जान की भी परवाह की नहीं और वह पाकिस्तान के लिए खड़ा रहा है अज साडा भी हक है कि असि उन्हें खड़े हो गए मैं भी इसे जज्बे नाल आया मैं अपील करांगा कि 11 तारीख को सारे बेली जौक दर जौक निकल के खुद अपनी जिम्मेदारी कौमी पूरी करो कि पाकिस्तान बचाने की जंग इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट
और दीगर मुआमलात होंगे ने वह भी मैं पूरी अपनी कोशिश और दयानतदारी के नाल करांगा। मगर बेलियो ए पाकिस्तान बचाण की जंग जे 17 तारीख नू कौम ने तारीख रकम की हुकूमत भी नून लीग की खो के जबरदस्ती उन्हें किंज लई तुहाडे सामने सारे मामलात ने नून लीग की हुकूमत होंदिया भी जिस वेले कौमां निकलदियां ने ना तो फिर सनाद ऐसा होंदा है कि कोई उनके अगे बन ठहर सकता नहीं। कौम ने दसिया कि असीं इमरान खान के नाल हां। जिस दिन हुकूमत खत्म हुई तो सारी कौम सड़कां ते निकली। 2 दिन तक एहतजाज होया। कौम ने दसिया कि असीं इमरान खान के नाल हां। ते तुसी सारे तुसी ते नौर दे नाल रहिंदे हो ते नौर दा जिहड़ा किला सी ओह नौरों टुट गया। असीं हुण शेखूपुरी वी नून दा किला तोड़ना है इंशाअल्लाह। असीं सारिया नून दा किला इमरान खान दे साथी बनो। मैं भी उनके मोढ़े नाल मोढ़ा लान नहीं आया वा। हाजी अली असगर मंडा साहब भी इसे जज्बे नाल आए ने ते तुसी सारे साडा साथ दिओ इंशाअल्लाह। यही जमात है जिहड़ी साडे बच्चियां दे मुस्तकबिल दी मुहाफज़ है। असीं बाहर नहीं जाना, असी लंदन नहीं जाना, साडे कोल पैसे नहीं। इन्हां ते देख लो एक इलाज दवाई लैन गया ते दवाई लभी नहीं, वापस नहीं आया 3 सालां आए के पिछे और नस गए। आए कोवर वह भी कुटी का लुआन गया है। ते जिस दिन होर थोड़ा जा कौम जाकी ते जिहड़ा एक बैठा इन्हें भी नसदा ना इन्हें पाकिस्तान रहना। इन्हें पहलों ही बाहर मल पा रहे ने, इन्हें पहले ही बार जदादा मना रही ने, इन्हें पहले ही बार बंदोबस्त किया है। ऐसे चोर डाकू और लुटेरिया का मुहासबा कौम कर दी है। तुसी कौम जाग गए हो, इन्हों का मुहासबा करो, बल्ले ते मोर लाओ, पीटीआई नू मजबूत करो और इस मुल्क नू महफूज करो। अल्लाह मेरा और तुहाडा सारियां दा हामी और नासर होवे। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक एक कौम जाग गई है, इसनों इमरान खान के नाल शाना बशाना खड़े होने की और ज्यादा कुवत अदा फरमा और तेरे महबूब दस इस पाक मुल्क के अंदर चाहन वाले बेशुमार रेंदे ने या अल्लाह इन्हों की हिफाजत के लिए पार्टी मैदान अमल अंदर आई है, इसकी हिफाजत फरमा के इसनों तरक्की अदा फरमा। मैं भी इसे जज्बे नाल आया, सारे दोस्तों मुहब्बत भी मेरे नाल की थी। या अल्लाह सानू फतह और नुसरत अदा फरमा, अपने महबूब का सदका फतह और नुसरत अदा फरमा और मुल्क की खिदमत इलाके की खिदमत की तौफीक अता फरमा। सिद्ध के दिल नाल नेक निजती नाल खिदमत करन दी कुवत अता फरमा। वा सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्कीहि सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबीहि अजमईन। सारे दोस्तों का बेहद शुक्रिया, तुसी सारे तशरीफ ले आए, साडे कहन ते साडा इस्तकबाल कीता और तुसी सारे ने अपने इकट्ठे होने का सबूत दिता। ये सबूत इलेक्शन तक इंजी देना है तो परचे वाली पिछे नहीं जाना, परची ओनू देनी है जरा पाकिस्तान की बचाने की गल करे। अस्सलाम वालेकुम।